हाय, वेलकम टू आरती क्रिएशन। आ जाइए जल्दी जल्दी, बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं आज हम लोग। गुड इवनिंग रिचा, गुड इवनिंग। हेलो जयंती जी, हेलो क्रांति जी, हेलो स्नेहल। ये देखिए हमारे कृष्णा जी बनके तैयार हो गए हैं और अब ये जाएंगे कुछ दिन बाद, 2-3 दिन, 2-4 दिन बाद थोड़ा सा ड्राइंग होने का है इसमें। आप जल्दी जल्दी बताइए मुझे कैसे लग रहे हैं। हाँ जी रिचा जी, ये कंप्लीट हो गए हैं एंड इसकी हम क्लास शुरू करेंगे 17 अप्रैल से। दोबारा बनाएंगे, लाइव में होगी क्लास जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। थैंक यू अर्चना जी। सेम हियर, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, बट वॉज स्टक इन सम वर्क और थोड़ा धूप की वजह से भी थोड़ा परेशानी हो रही थी। हेलो सुनीति, हेलो पुष्पा जी, हेलो नेहा जी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं और किस किस को सीखना है। थैंक यू सो मच नंदा जी, थैंक यू। थैंक यू स्निग्धा, थैंक यू श्रद्धा, हेलो रेखा जी। सो ये है हमारे प्यारे से कान्हा जी। और क्लोज करूं? वेट, ये देखिए थैंक यू स्तुति। गुड गुड इवनिंग कंचन जी। फट से एक बार जाके वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज, ताकि और लोग जुड़ पाए। बच्चों को साथ ले आइए अपने, हम किड्स फ्रेंडली ही काम करने वाले हैं आज भी। जैसे कि हमने पिछला किया था बटरफ्लाई वाला, वैसा ही कुछ कलरफुल सा बनाएंगे, सुंदर सा, एंड आई एम श्योर बच्चों को पसंद आएगा। सो जिनके बच्चे हैं आसपास लेके आ जाइए फटाफट, और वीडियो शेयर भी कर दीजिए एक बार। अभी वेकेशंस लग चुके हैं तो आई नो कि सब लोग थिकनेस ऑफ एमडीएफ इज 8 mm, स्टेज के अंदर घर पे बनाया हुआ है एंड जिनके कमेंट मिस हो गए, आई एम श्योर मैं डेफिनेटली बाद में आपको बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगी। एंड ये कृष्णा जी की जो क्लास है वो शुरू होने वाली है 17 अप्रैल से। 20 सेशंस होंगे अराउंड, ऑयल्स प्लस एक्रीलिक है, क्ले वर्क भी है इसमें। एंड थैंक यू सो मच संध्या जी, हेलो देवासना जी। रिलीव बुद्धा में अभी काम नहीं हुआ है ऋचा, क्योंकि मैं ही थोड़ा बिजी थी, कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे। ये देखो छोटे छोटे काम भी बहुत चल रहे हैं। सी ए नेम प्लेट बनेगा, इसमें क्ले वर्क हो चुका है, नेम लिखाएगा अभी, एंड देन बस ऐसे ही थोड़े 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 काम चल रहे हैं। आप लोग बताइए आपका कैसे रहा। जय श्री कृष्णा भावना जी, राधे राधे। कैसे चल रही है गर्मी? यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। इनफैक्ट मुझे धूप वूप भी लग गई थी थोड़ी सी, तो इस वजह से भी नहीं मैं प्लान कर पाई आने का। एंड या बस मिस्ड यू ऑल सीरियसली। पूजा जी, इसका डबल फ्रेमिंग होगा। देखो मेरा तो जो ऑर्डर है मैंने इसको विदाउट फ्रेम ही भिजवाना है, लेकिन डबल फ्रेम होता है, आप जब फ्रेमिंग वाले के पास जाओगे ना तो वो खुद ही आपको ऑप्शन दे देगा डबल फ्रेमिंग का, तो दैट यू हैव टू डू।
हेलो गीता जी, हेलो किशोर, थैंक यू सो मच. सो आई एम यूजिंग मोल्डेड एंड यस दिस इज द आउटकम ऑफ अवर लास्ट मार्बल क्ले म्यूरल. ये देखो, लग रहा है ना सुंदर. पुनीता जी, इसमें ना मार्बल पाउडर चाहिए ही नहीं, इसका सिर्फ 1500 पीस है. 1500 में आप बहुत कुछ सीखोगे, ये बहुत अच्छा पीस है. सो आपको इसमें मार्बल पाउडर चाहिए ही नहीं. कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया से है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे सिर्फ एयर ड्राई क्ले चाहिए और वो आपको हर जगह मिल जाएगी. हाँ जी गीतांजलि जी, सच में एक बार जाके वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा सा. एंड दिस इज आवर, ये मार्बल क्ले वाला है, इसमें मार्बल क्ले चाहिए. मोल्डेड से आप इतना हैवी वर्क करोगे तो नहीं उतना मज़ा आता है. मतलब मोल्डेड में एक कॉस्टिंग भी इशू रहता है. थैंक यू सो मच डियर, सेम सेम हियर. हेलो सेजल जी, ये देखो, लग रहा है ना सुंदर. सो ये हमारा था पिछला वाला आर्टवर्क और आज हम शुरू करेंगे अपना नया वाला आर्टवर्क. एक चीज बस ये हो जाती है, ओ यू आर फ्रॉम यूके, वेलकम टू माई पेज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जिन्होंने शेयर नहीं किया है, एक बार प्लीज़ जाके वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे इंस्टा यूट्यूब पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा. हेलो मेघना जी. सो देखो, हम बना रहे की होल्डर और ये बेसिकली मैं सिर्फ अपने घर के लिए बना रही हूँ. मैं सच बता रही हूँ, इसको तो मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ क्योंकि आई डू लॉट ऑफ वर्क. बहुत सारे की होल्डर्स बना के सेल भी कर दिए लेकिन घर के लिए नहीं बनाया. सो ये छोटा सा है एक, ये देखो सिंपल सा डिज़ाइन है. इसमें लिपन करेंगे और बीच में मैंने अल्फ लगाने का सोचा है, तो वो भी हम बनाएंगे यहाँ पे आज. क्ले वर्क कंप्लीट कर लेंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है. और इसका साइज एज यूजल मैंने गिना नहीं है, मैं गिन के बता दूंगी. जितना टुकड़ा होता है मैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती हूँ. और मैंने ना यहाँ पर देखो, यू कैन सी होल्स हियर, यहाँ पर मैं वो की होल्डर्स वाले जो हुक है ना वो लगाऊंगी, ठीक है. यहाँ पर लगाने से क्या होता, मेरे को ये जगह चाहिए थी तो मुझे अब ये जगह मेरी एंगेज नहीं होगी, ये यहाँ से चले जाएंगे और बिल्कुल मजबूत रहते हैं, कोई गिरते नहीं है, कुछ नहीं होता है. हाँ जी सोनल जी, मार्बल क्ले बिल्कुल वॉल पे कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सोनल जी फॉर शेयरिंग. सोनल जी हमेशा शेयर करती है, हमेशा. थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू भावना जी. सो ये सिंपल सा डिज़ाइन है, बिल्कुल बच्चों को पसंद आना चाहिए, उनसे बनना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही मैंने ये डिज़ाइन किया है, ठीक है. सो इसमें हम ये तो करेंगे लिपन काम और अंदर बनाएंगे ऑल्स बहुत सुंदर से, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एंड डू शेयर द वीडियो ताकि और लोग जुड़ पाए. हाँ जी रितु जी, ये MDF है एंड दिस इज ऑल्सो MDF. ये वाला अर्चना जी, इस पर यहाँ सेंटर में नाम लिखाएगा. ये देखो, ये पूरा क्ले वर्क है, ये क्ले वर्क है. दोनों साइड सनफ्लावर बना है हाफ हाफ, सेंटर में गणेशा है और ये जिनका है ये उनके हिसाब से बन रहा है, उनके हिसाब से कस्टमाइज हो रहा है, ठीक है. सो जिन्होंने भी ये वाली क्लास ज्वाइन करनी है, ओनली 1500, सिर्फ 1500 फीस है उसका. एंड यू विल लर्न, यू नो, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे आप उसमें. ऑयल पेंटिंग सीखोगे, क्ले वर्क सीखोगे और यू नो बेसिक्स ऑफ ऑयल पेंटिंग भी सीखोगे. यू कैन सी द शेडिंग पार्ट, देखिए नोज़ देखिए, आइज़ देखिए. नहीं नहीं रिचा, इसमें कोई भी चीज़ मोल्ड से नहीं बनी है, ना गणेशा ना सनफ्लावर, एक भी चीज़ मोल्ड से नहीं बनी है और यही चीज़ सीखने वाली है. आप अगर इसको भी ज्वाइन करते हो ना, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. बिल्कुल मोल्ड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इनफैक्ट मेरे पास मोल्ड्स है ही नहीं. सच बता रही हूँ, मेरे पास मोल्ड्स है ही नहीं. मेरे पास बहुत छोटे वाले वो लेस वगैरह का जो मोल्ड होता है ना, वो बस दो चार मोल्ड रखे, बाकी मेरे पास मोल्ड्स नहीं है. हेलो सुनीता जी, हेलो राखी जी. सो आई एम टेकिंग माई फेवरेट क्ले जो कि है मोल्डेड.
मोल्डेड ना बहुत कन्वीनियंट होता है, आप चाहो तो ये वाला जो काम जो मैं आज मोल्डेड से कर रही हूँ आप पेपर मैशी से कर सकते हो जाएगा, लेकिन मुझे मोल्डेड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मोल्डेड टू पार्ट क्ले होती है, रेजिन एंड हार्डनर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके आपने मिक्स करना है। हेलो आयशा जी, मोल्डेड मोल्डेड यूज़ किया है सोनल जी, और फिर उसको आपने ऐसे टैल्कम पाउडर में हाँ मैं बताती हूँ, ये MDF बोर्ड है, वो इमल्शन का डब्बा है, गरिमा को इमल्शन का डब्बा देना। मुझे सिंपल रखना था, इस पर कोई टेक्सचर नहीं चाहिए था मुझे, सो इस पर मैंने सिर्फ, आपको जब भी कोई MDF बोर्ड रेडी करना हो ना, आप सिंपली ये जो इमल्शन है इसके दो कोट लगा दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, बस आप एक कोट लगा दो, उसको एक डेढ़ घंटा सूखने दो अच्छे से, फिर दूसरा कोट लगा दो। अगर एक बार ऐसे ब्रश चलाए हैं आपने ऊपर से नीचे, दूसरी बार आप लेफ्ट से राइट ब्रश चला के बस ये कोट कर दो, आपका बोर्ड रेडी हो जाएगा। मैंने देखो चारों तरफ से कर लिया है, ठीक है। सो ये प्रोटेक्ट भी करता है आपके इसको, और प्लस कलर भी नहीं पीता है, मतलब कलरिंग बहुत अच्छे से होती है बाद में। हेलो निताशा, ये वाला इमल्शन, ये इमल्शन बहुत काम का है, बहुत अच्छा है, सो यू कैन बाय दिस। नहीं नहीं सुनीति जी, बिल्कुल भी लेट नहीं हो आप, अभी तो हम काम शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम टू माय पेज एंड वेलकम टू माय वीडियो लाइब्रेरी एज वेल। बस हम ये मोल्डेड को मिक्स करेंगे और आज क्ले वर्क इसका कर लेंगे। सारा कुछ ना रिचा मोल्डेड से ही बना है, नेम प्लेट में भी। हाँ अंजना जी, बिल्कुल कर सकते हो पेंसिल ड्राइंग, इमल्शन बहुत स्मूथ सरफेस देता है आपको। जब भी आपको एकदम प्लेन सा कुछ बनाना हो ना, मतलब बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर नहीं चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग यू ना मार्बल पाउडर पेस्ट या चॉक पाउडर पेस्ट, मैं बोलूँगी सीधा इमल्शन के दो कोट लगा लो। आपको ज़्यादा थिक चाहिए तीन कोट लगा लो, बहुत स्मूथ चाहिए उसकी घिसाई कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत स्मूथ आता है। हेलो गरिमा, हेलो अस्मिता, अगर काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ऊपर से मैं तो आज बहुत दिन बाद भी आई हूँ। हम ना एक सुंदर सा की होल्डर बनाने वाले हैं, आप नेम प्लेट भी बना सकते हो दो प्लैंक लेके, मान लो जैसे मैं तो सिंगल प्लैंक में ही कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ होल करवाए हैं ना, आप इन्हीं होल में हुक्स लगा के एक और नीचे लकड़ी की पट्टियाँ कर सकते हो, और इसको आप नेम प्लेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आजकल वो चल रहा है ना, एक के नीचे एक बहुत सारी तीन चार प्लेट्स वुडन प्लैंक्स होते हैं। हाँ सुनीता जी, प्राइमर भी चलेगा। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, जिन्होंने शेयर कर दिया, दिल से थैंक यू। जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए भी दिल से थैंक यू। सो ये है हमारा मोल्डेड ना बहुत बहुत कन्वीनियंट क्ले है, बच्चे अब भी आराम से काम कर पाएंगे। ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा ड्राइनेस का इशू होता है हाथों में इससे, बाकी अदरवाइज इट्स द बेस्ट क्ले फॉर दिस काइंड्स ऑफ वर्क। आप इससे कितना भी थीन बना सकते हो। आहो कल्याण जी, शिल्पकार ही समझिए आप, मोल्डेड शिल्पकार सेम ही है ऑलमोस्ट वर्किंग में। और जिनको मार्बल पाउडर चाहिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती रहती है कि मार्बल पाउडर चाहिए, तो आप अमेजोन पे आरती क्रिएशन मार्बल पाउडर डालिए, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। आप पहले अपना लोकल शॉप चेक कर लीजिए। हाँ क्रांति जी, अगर नहीं है तो एक्रिलिक पेंट भी लगा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये ना ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस थोड़ा अच्छा होता है। मैं रोल कर रही हूँ सिंपली। हेलो चंचल दी, कैसे हो आप? ये जब बनेगा ना देखना, आप बनाइएगा और अपने बच्चों से पूछिएगा, या इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि उन्हीं से बनवाइएगा, उन्हें पसंद आएगा।
प्रतीक्षा जी, फिलहाल मैंने मार्बल पाउडर नहीं लिया है, हमने मोल्डेड क्ले ली है और टैल्कम पाउडर की हेल्प से हम मोल्डेड क्ले को नीड करते हैं, और नीड करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी। मैं बताती हूँ, एक बार रोल आउट कर लूँ, फिर मैं थिकनेस भी बताती हूँ इसकी, ठीक है। एंड हाउस आभा, अभी तो उन लोग की भी छुट्टियां चल रही होगी ना। थैंक यू सरब जी, एंड जिन्होंने लिया है आप लोग प्लीज अमेजोन पे जाके रिव्यूज भी जरूर डालिएगा, दैट विल रियली हेल्प मी। मतलब अच्छा बुरा जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है प्लीज रिव्यूज जरूर डालिए। ठीक है, देखो मोल्डेड से लिया और ये लॉन्ग कॉइल बनाया है। और सरबजीत, मिरर्स के लिए ना आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि मेरा अकाउंट मैप हो गया था, तो मैंने मिरर्स का जो लिस्टिंग है आई कुड नॉट हेल्प फॉर इट, तो अभी थोड़े दिन के लिए मैंने वो बंद कर दिया है। ओके, अच्छी ना। बोर्ड का साइज ताशा मैं ना गिन के बता देती हूँ, एक सेकेंड ना, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, मैं गिन के बता देती हूँ, पहले ये लगा ले। थैंक यू सो मच सुनीति। वन्ना जी मैं साइज गिन के बता देती हूँ, बड़ी वाली स्केल लेना है प्लीज, है क्या वहां पे? ये देखो, ये मैंने रोल आउट किया है और इस रोल का जो थिकनेस है वो है अराउंड 4 mm। 4 mm की मैंने ये स्ट्रेट लॉन्ग कॉइल रोल की है। ठीक है, और इसको ना ऐसे अंदर की तरफ हल्का सा दबा देंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। आप टैल्कम पाउडर लीजिए हाथों में तो अच्छे से हो जाए। इट्स ओके, मैं इसी से काउंट कर लूंगा। टैल्कम पाउडर से ना स्मूथनेस भी आ जाती है थोड़ी सी, जरूरी नहीं है टैल्कम ही हो। अब मेरे पास ऊपर ना चॉक पाउडर रखा था तो मैं तो चॉक पाउडर ही ले रही हूँ हाथ में फिलहाल। कुछ भी ऐसा चाहिए हमें स्मूथ सा। ओके पिंकी जी, किड्स के एग्जाम चल रहे हैं? नहीं अभी तो एग्जाम्स कहीं कहीं चल रहे हैं, कहीं कहीं हो चुके हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम हो चुके हैं। कोई ना, वीडियोस तो सेव रहते हैं, आप बाद में भी बना सकते हो उनके साथ बैठ के। बिल्कुल ना लाइन से, एज से बिल्कुल सटा के लगाया है मैंने इसको, यहाँ डिस्टेंस नहीं है कुछ भी, यहाँ कोई जगह छोड़ी नहीं है, स्पेस नहीं छोड़नी है हमको, एकदम स्ट्रेट बाउंड्री। ब्रेक हो गया मेरा थोड़ा सा। मेक श्योर कि आपका कॉइल एक सा बने, दैट विल एड सम एक्स्ट्रा ब्यूटी टू योर आर्टवर्क।
एक साइड से बाहर का काम करते हैं हम और एक साइड से अंदर का, सो दैट मीनाक्षी जी पूछिए मत, गर्मी हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, ऊपर से नागपुर रीजन, इट्स टू हॉट टू हॉट। बहुत ज्यादा गर्म है यहाँ। और कौन कौन यहाँ महाराष्ट्र से है? आई एम श्योर सबका सेम ओपिनियन है कि भैया हमारे जैसी गर्मी कहीं नहीं है। ठीक है, ये हो गया, सेम ऐसे ही बॉर्डर लगाएंगे हम चारों साइड। यहां मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। अरे कोई नहीं है आज महाराष्ट्र से यहां पर। हेलो जयश्री जी। नहीं मीनाक्षी जी, फिर भी हम बोलेंगे हमारे महाराष्ट्र की गर्मी तो बहुत ज्यादा है। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सारी गर्मी ना हमारे यहाँ ही आती है सबसे ज्यादा। एंड सेम थिकनेस की मैं एक और रोल आउट कर रही हूँ जो हम अंदर की तरफ लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ डिजाइन, अरे स्नेहल जी पुणे में तो फिर भी बोलते कि इतना गर्म नहीं होता है करके, सच बात है ये। महाराष्ट्र में भी ना विदर्भ बहुत गर्म होता है, चंद्रपुर अकोला नागपुर। ओके, मुंबई से बहुत सारे लोग हैं। मुंबई में शायद वो अलग ही चिपचिपी वाली गर्मी ज्यादा होती है ना। ये देखो अंदर की तरफ भी ऐसे ही लगेंगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से, लेकिन ये जो है ना इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे हम। फिर आप इसको ऐसे स्केल ले लो और स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं वो चेक कर लो दोनों तरफ से। और इसको अब थोड़ा सा मैंने पतला किया है। ओके, गुजरात की सो बेसिकली हर जगह की गर्मी बहुत भयंकर है ना। एंड दिस इज 3 mm, ये जो अब मैं कॉइल बना रही हूँ ये 3 mm की कॉइल है और ये 3 mm की कॉइल से हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। बिल्कुल से लगा देते हैं यहां से ऐसे। कटर लिया, बिल्कुल सेंटर से आप ऐसे कट कर दो इसको। देन उल्टा करके इसी को जो कट किया है ना आपने उसी को सूखने के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा क्योंकि फिर ये हिलेगा नहीं। और यहां जो टिप है इसको
ऐसे दो फिंगर से या नेल से मिक्स कर दो। ठीक है, सो ये ऐसे जाएगा। ओके, पुणे से अटेंड कर रहे हो। फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ कल्याणी जी, फेविकॉल है, फैब्रिक ग्लू के कौन से आते हैं? फेविक्रिल का ही है ये फैब्रिक ग्लू, उसके कौन मिलते हैं मार्केट में, वही है। आप फेविकॉल भी ले सकती है अगर आपके पास फेविकॉल अवेलेबल है तो। प्लीज डोंट कॉल नाउ, आप जिससे भी बात करनी है ना आप बाद में कॉल कीजिए। हाँ जी दिव्या जी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आज कृष्णा पेंटिंग ही दिखाई थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन करनी है आप कर सकते हो। 17th of April से क्लास शुरू होगी हमारी, 20 सेशंस अराउंड उसके सेशंस होंगे। ऑयल प्लस एक्रिलिक है एंड बिल्कुल एकदम कम फीस। हाँ जी फेविकॉल की कौन रेडीमेड ही है? पहली बात तो मोल्डेड क्रैक होता नहीं है और बिल्कुल सिंपल वाला लिपन बना रही हूं मैं, ताकि इसको आराम से बच्चे भी बना सके, क्योंकि अगर हम वो मोड़ने वाला बनाएंगे या ज़्यादा मैचिंग वाला वगैरह बनाएंगे तो परेशानी होगी। कॉइल्स तो बच्चे बिल्कुल बना सकते हैं आराम से। अभी ये गीला होने की वजह से सरकता है, ये ऐसे पूरी कॉइल्स बनेंगी। अब हम चलते हैं सेंट्रल पार्ट की तरफ। फीस ओनली 1500 है डियर। हाँ जी अश्विनी जी, एक्रिलिक कलर डायरेक्ट, आप एक बार ही उनको थोड़ा सा प्राइम कर लो या डबल कोट भी अगर आप करते हो ना तो हो जाते हैं, आ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम मैं थोड़ा सा और मोल्डेड ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये सेंटर के ऑल्स के लिए बनाना है। I'm taking, ये ऐसे ही बनेगा, ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी अंदर का, और ये ऐसे ही सारे लीव्स बनेंगे। जिन्होंने कभी भी ऑयल कलर से वर्क नहीं किया है तो आप लोग बिल्कुल ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने मेरी क्लासेस ज्वाइन कर रखी है आप उनसे पूछ सकते हो, रिव्यूज़ ले सकते हो। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताती हूँ, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, एंड आई एम श्योर कि सबका भी इतना ही अच्छा बनेगा, इनफैक्ट इससे भी अच्छा बनेगा। डोंट वरी, ऑयल कलर एक ऐसा मीडियम है जो आपको बहुत देर तक मिस्टेक्स सुधारने के लिए समय देता है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप में से जिसने भी सीखनी है, सो दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल सीख सकते हो ये। और
और 3D क्ले वर्क भी है उसमें। एक और पैकेट का मोल्डेड मिक्स करके दे देना प्लीज मुझे। हाफ ले लो, हाफ पीओपी क्ले से मैंने कभी काम नहीं किया है, सो आई रियली डोंट नो, बट मुझे ये पता है पीओपी के पहले स्टैचूज वगैरह बनाते थे एंड इट मतलब वो हार्ड हो जाती है जल्दी। उसका जो मिक्सचर है वो जल्दी ही हार्ड हो जाता है। वन्ना जी मैं बिल्कुल एक बार ये कर लूँ, मैं एंड में ना साइज गिन के बताऊंगी। और बाहर ना इसके ऐसे टुकड़े भी पड़े होंगे जिस पे हमने डिजाइन ट्राई किए थे बार बार, वो भी देख लेना, बाहर रखा होगा जहाँ कटवाया है ना वहाँ पे। बिल्कुल निराली जी आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखो ये ऐसे ही मैंने बना लिया एक। आप ये भी काम पेपर मैशे क्ले से भी कर सकते हो, मेरे पास अभी टाइम नहीं था मुझे पेपर मैशे बनाने के लिए भी, सो आई एम जस्ट यूजिंग मोल्ड इट, अदरवाइज आप पेपर मैशे से बिल्कुल कर सकते हो। क्या बताऊं नीति? हाँ नितिशा बिल्कुल एमसिल मोल्डेड की जगह बिल्कुल यूज किया जा सकता है, मैं बार बार बोलती हूँ कि बिल्कुल एमसिल और मोल्डेड एक जैसे ही काम करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट यू नो क्राफ्ट वर्क। वाइट एमसिल ले लो या ब्लैक एमसिल ले लो, डिपेंडिंग ऑन योर कलर कॉम्बिनेशन, बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ा सा ये हो जाता है फिर कलर करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने ये ऐसा किया, मैंने यहाँ पर ऑल की फैमिली बनाने वाली हूँ, मतलब कि मतलब हम चार लोग हैं तो मैं चार ऑल्स बनाने का सोच रही हूँ यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ और सेंटर में दो बच्चे। ठीक है आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। ये देखो ये मैं बना रही हूँ फिलहाल हस्बैंड का फेस, सो लेट मी चेक साइज और थिकनेस दोनों ही सोच के बनाएंगे हम। थोड़ा सा कुछ खास नहीं करना है इस पे, यू नो पेंटिंग पार्ट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस, तो बच्चों से आप बनवा लेना और पेंटिंग आप खुद कर लेना, मजा आएगा। ऐसे ही नीचे रख के सी थोड़ा और बड़ा और पतला कर सकती हूँ मैं, जगह है मेरे पास, मैं अकॉर्डिंगली काम करूँ। एमसील तो हर जगह मिलता है नीति, मोल्डेट अगर नहीं मिलता है तो। प्लस ये काम जो है ये छोटा ही है, आप ये लॉन्ग कॉइल्स के लिए एमसील ले लो एंड आई वुड सजेस्ट इसके लिए आप पेपर मैशे क्ले यूज करो, बिल्कुल आपका अच्छे से काम हो जाएगा। पेपर मैशे क्ले का रेसिपी भी मेरे पेज पे है, यहाँ ना मिले पेज पे तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्ले रेसिपीज का कलेक्शन ही मिल जाएगा एंड देयर यू कैन यू नो फाइंड कुछ 5-6 टाइप की क्ले है, वो सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे। थोड़ा सा और बड़ा करूँगी मैं, सो डिपेंडिंग ऑन द जगह आप कर सकते हो, कितनी प्लेस है आपके पास कितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग। और इसको ऐसे पीछे से फ्लैट बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से ना ऐसे हम गोलाई में इसको शेप देंगे ताकि वो ऐसा कर्व आ जाए ना, ऐसा सब तरफ से नीचे जाएगा ऐसे।
अर्चना जी। थैंक यू सो मच अर्चना जी, मैं भी आप लोगों को मिलके सच में अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद इतनी सारी बातें। देखो ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा ऐसे टोक निकाल रही हूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये है हमारे पापा औल, जो कि सबसे बड़े होंगे। और नीचे की तरफ इनको अभी स्टिक नहीं करेंगे हम, इसको स्टिक करने से क्या होगा, कलर करने में ज़्यादा परेशानी होगी, तो मैंने सोचा है कि हम पहले बना लेंगे, कलरिंग कर लेंगे और उसके बाद ही स्टिक करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ साइज़ ले रही हूँ, और आप बिना ग्लू लगाए अगर इसको रखते हो ना तो ये बिल्कुल नहीं स्टिक होगा, आराम से निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। निराली जी आप दूसरा वाला ट्राई करके देखो, क्योंकि सच बताओ तो मैंने भी ना इंडिगो के लिए भेजा नहीं था, मैंने तो एशियन पेंट्स का ही बोला था, एंड उसको जो एशियन पेंट नहीं मिला तो ये आ गया। सो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मुझे रिचार्ज जी ने बताया था कि उन्होंने एशियन पेंट्स का यूज़ किया है, तो यू कैन ट्राई फॉर एशियन पेंट्स ऑल्सो, मुझे उनका भी इफेक्ट बहुत अच्छा लगा था। ये बन गया आपका एक, और अब हम बना लेते हैं ममा और एक बेबी, सो दैट यू विल हैव क्लियर आइडिया। और ये जो है ना ये ऐसे रहेंगे इस तरफ हल्के से झुके हुए। अगर काम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट किया करो, तभी मुझे पता चलता है। हाँ और मोल्ड मिक्स करो, नहीं यू कैन सेव दिस मनी अगर मैं ऐसा बोलूँ तो, यहाँ आप पेपर मैशे यूज़ करके। और एक और फ़ायदा होगा, वो थोड़ा सा हल्का भी रहता है। टैल्कम पाउडर में डालना बहुत ज़रूरी है, मामा की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रहेगी पापा की हाइट से, प्लस ये देखो ये ऐसे है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ अभी। थिकनेस सेम ही है, मुझे बस थोड़ा सा ऐसे बैंड चाहिए, ऐसे बैंड चाहिए। और सिर्फ इस साइड से, इधर से नहीं चाहिए, एक साइड से, तो अकॉर्डिंगली हम उसको शेप और रोल करेंगे। आप बस ऐसे आराम आराम से हल्के हल्के से हाथ चलाते रहिए, आपका शेप अपने आप आ जाएगा। मुझे लग रहा है मुझे ना ये बनाने में ज्यादा मोल्डेड लग रहा है, सो 3 packets में हो जाना चाहिए आपका काम। 2 packet आप सिर्फ इसके समझ लो, और 1 packet जो बाहर का काम है उसके लिए लगेगा, तो 3 packet में आपका काम हो जाएगा। ये जरा ज्यादा ही बड़े हो गए लंबे, आई एम जस्ट टेकिंग आउट फ्रॉम हियर, और यहाँ पे मैं
इसको भी जितने अच्छे से शेप करोगे ना, उतना अच्छा ही आपका फाइनल आउटकम भी दिखाई देगा। फिर भी थोड़े से लंबे लग रहे हैं। बिल्कुल ख्याति जी, अगर आप वॉल पुटी क्ले के साथ काम कर चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वॉल पुटी के साथ भी काम कर सकते हो। मैंने कभी भी वॉल पुटी से काम नहीं किया है अभी तक, सोचती हूँ बहुत बार, लेकिन फिर बाकी काम में इतना स्ट्रक हो जाती हूँ कि रह जाता है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो। या जो लोग काम में, ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा। हाय गौरानवी, थैंक यू निराली, सभी लोग क्रिएटिव है यहाँ पर, सबका क्रिएटिविटी अलग अलग तरीके का होता है, ऐसा मुझे लगता है, बट एवरीबॉडी इज क्रिएटिव इन इट्स ओन वे। इधर से मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में ले रही हूँ, जा नहीं रहा है। ये यहाँ रखेंगे, और यहाँ, ठीक है, और यहाँ दो आएंगे मेरे छोटे छोटे बच्चे, मतलब आप जो भी समझ लो, अब मैं तो फन वे में बोल रही हूँ बस। हेलो पूनम जी, गौरानवी भाई, बस थोड़ा सा स्ट्रक थी, थोड़े थोड़े काम चल रहे थे, थोड़ा बीमार हो गई थी, थोड़ा मैंने बताया था कि हमने दूसरी जगह ली है, तो वहाँ पर भी थोड़ा काम था, पूजा वूजा हुई, और मेरा भी शिफ्टिंग का वहाँ चल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान जा रहा है। अर्चना जी, कृष्णा म्यूरल का मटेरियल डिपेंड करता है अब आपके पास क्या क्या है, क्योंकि मटेरियल ना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। नाउ सी फॉर द किड्स ना, आप ऐसे एग इसमें बना लो, एग जैसा, ये ऊपर से थोड़ा सा ऐसे नुकीला और नीचे से नॉर्मल, और बस इसको फ्लैट करेंगे और कुछ नहीं, जैसा शेप है वैसा ही रहने देंगे और थोड़ा थोड़ा फ्लैट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बोर्ड इज ऑफ MDF, MDF बोर्ड है ये। ये देखो, ये छोटे होल्स, प्लेसमेंट आप अलग भी कर सकते हो, आपने बीच में एक रखना है एक रख सकते हो, आप कपल और बीच में बना सकते हो,
लाइक दिस यू कैन ऑल्सो मेक, लाइक इनको ऐसे बीच में बना सकते हो और किट इधर और इधर भी रख सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे बनाना चाहते हो. तरीका बस यही रहेगा बनाने का. तो ये मेरी नीचे से थोड़ी गोलाई दे देंगे हम. एंड सेम वे से दूसरा भी. दूसरा मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगी एज कंपेयर टू दिस वन. काजल जी बस 5 मिनट और आप रुकिए, बने रहिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे देती हूँ. कृष्णा क्लास की फीस ओनली 1500 है. एंड 1500 में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो. इसको भी वैसे ही किया, थोड़ा टीयर ड्रॉप शेप जैसे, एंड जस्ट प्रेस इट. नहीं पूनम जी, मैंने व्हाइट कलर नहीं किया है, मैंने किया है इमल्शन. लेकिन हाँ, आप व्हाइट कलर की भी दो कोट कर सकते हो, बट इमल्शन पे ना कलर की पकड़, जो दूसरे कलर आप करोगे ना उनकी पकड़ बहुत अच्छी आती है. देखो ये एक, ये दूसरा, और ये ऐसे, और ये थोड़े से ऐसे बैंड इस तरह. ठीक है, ये बनेगी हमारी यहाँ पे ऐसे ऑल फैमिली. ओ ठीक है, अब बोलिए. ये देखिए कृष्णा जी का फेस तो दिखाई दे रहा है, और मैं गिन के बताती हूँ आपको इसका साइज कितना है. आई थिंक 13 इंचेस तो था. रविना ने बाहर ये ऐसे प्लैंक्स रखे हैं ना, बोलो ना धो करके. ये है 12, 13 इंचेस है. 13 and a half भी नहीं बोलूंगी मैं, 13 के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा है बस. सो आप अप्रॉक्स 13 इंचेस समझिए इसका वेट है. एंड द ब्रेथ इज 6 इंचेस का इसका ब्रेथ है. ठीक है, और साइड से मैंने ये जो लाइन बनाई है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है बॉर्डर, ये ब्लैक वाली, ये है हमारी, मतलब मैंने उतनी जगह छोड़ दी है बस 1 सेंटीमीटर. काजल जी इसके लिए ये नहीं, इसी के टुकड़े लंबे वाले नहीं, नहीं बाहर ही रखे मैंने, भैया से कटवाई थी ना. आप हाँ मुझसे भी मंगवाएंगी तो शिपिंग के साथ आपको महंगा ही पड़ेगा. लेकिन मैं बताऊँ आप कहाँ जाइए, जहाँ पर फर्नीचर बनता है ना वहाँ पर जाइए. हाँ, ताकि मैं बता सकूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है. हाँ 8 mm शीट है ये. मैं नॉर्मली 8 mm में काम करती हूँ, और जब आपका 8 mm रहेगा ना, ये देखो मैंने ये इसलिए मंगवाया, देखो मैंने डिज़ाइन यहाँ बना के देखा पहले, तो मैंने एक अप्रॉक्स जो मेरे पास जो प्लान पड़ा था मैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रही हूँ, समझ रहे हो आप. तो ज़रूरी नहीं है कि जितना प्लान मेरा है MDF का उतना ही आपका हो. आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि डिज़ाइन कोई बहुत भारी नहीं है, कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. तो ये चीज़ है, मैं इसके भी आगे पीछे सब जगह बना हुआ था, इसलिए मैंने पहले इमल्शन लगा दिया उसको.
नहीं तो आपको वहां पर भी दिखता कि हाँ कुछ कुछ मेजरमेंट लेके कर रखा है करके मैंने। सुसी ये ऐसा 8 mm आते हैं इसलिए क्योंकि 8 mm को आप यहाँ पर जो है ना होल्स करवा सकते हो, बिल्कुल आराम से होल्स हो जाते हैं इसके। अब मैं ये नहीं दिखा पाऊंगी बट मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिख पाएंगे आपको। ये देखो सी मैंने यहाँ होल्स कर रखे हैं और मैं यहीं पर वो की होल्डर वाले जो हुक्स है ना वो डालने वाली हूँ, ठीक है। तो 6 mm अगर आप लोगे तो ये काम नहीं कर पाओगे, फिर आपने उसके ऊपर ही लगाने हैं। एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है? साइज मैंने बता दिया 13x6 inches मेरे वुडन प्लैंक का साइज है। कुछ और किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कृष्णा क्लास ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल कर सकते हो, देखो बहुत बहुत प्यारे बने हैं और बिल्कुल मिनिमम मटेरियल्स, यानी बहुत सारा कोई नग नहीं है, कोई कुंदन नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल से है। तो बताइए आप लोग जिसने भी ज्वाइन करनी है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन की है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा डेफिनेटली। उसके अलावा दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू लाइक काम चल रहा है मेरा उस पर, लेकिन पूरा हुआ नहीं है तो भी शो नहीं करूँगी आपको। मैं किड्स क्लासेस, किड्स नहीं बोलूँगी, 12+ ईयर्स वालों के लिए ही बोलूँगी, एकदम छोटे बच्चों के लिए नहीं। सो क्लासेस अरेंज कर रही हूँ मैं, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of May, राइट। तो हुक्स दिखा दोगे? अर्चना जी हुक्स तो मेरे भी जगह पर नहीं है, दिखाओ, देखती हूँ मैं अगर मिल जाए तो। ये की होल्डर का हुक है क्या? लेकिन मैं हाँ हुक्स लगा के दिखा सकती हूँ। ये देखो ऐसे ही हुक्स आते हैं, सी ऐसे वाले हुक्स आते हैं। खुलता क्या वो अपने हाथ से? खोलो भला, कितना मोटा है वो, खुलता थोड़ी है। सो लेकिन ऐसे ही हुक्स आते हैं एंड उसी को यहाँ पर फिक्स करना होता है। ये क्लास शुरू होगी 17th of April से। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 2-3 दिन के लिए, मुझे शादी में जाना है, देन मैं 15 या 16 का शायद मेरा रिटर्न है और 17 से ये क्लास शुरू होगी। शिल्पी जी तंजौर नहीं, जो मैंने जो चीज़ें ऐड की है वो है एक बहुत खूबसूरत सा की होल्डर, अलग टाइप का यूनिक सा रहेगा, उसमें क्ले वर्क प्लस सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होगा डेफिनेटली। एंड काम चल रहा है उस पर, बन जाएगा वो 17 या 18 को मैं आपको शो कर दूंगी। एक वाटर कलर मंडला रहेगा जिसमें आप वाटर कलर के बेसिक भी सीखोगे बहुत अच्छे से। एक एक्रिलिक पेंटिंग रहेगी, वाटर कलर मंडला A3 साइज़ है और एक्रिलिक पेंटिंग क्या साइज है प्रांजली उसका? A4 लिया है ना, A4 साइज का एक्रिलिक पेंटिंग है, प्लस एक फ्रिज मैग्नेट और एक रहेगा बुकमार्क। 5 चीज़ें होंगी टोटल, विथ मटेरियल विदाउट मटेरियल आप बिल्कुल कर सकते हो। विदाउट मटेरियल इट्स फॉर 1000, विथ मटेरियल जो भी रहेगा आप हम बता देंगे आपको। सो जो भी इंटरेस्टेड है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें सीखने के लिए। नहीं नितिशा, हार्ड बोर्ड से अगर आप बनाओगे तो मेरे हिसाब से तो ये बेंड हो जाएगा, मोल्डेड जो हमने इतना सारा लगा रखा है ना, हार्ड बोर्ड नहीं ले पाएगा, फिर कटिंग वाला बनाना पड़ेगा आपको। पूनम जी आप किस क्लास का टाइमिंग पूछ रही है? ये जो मैं स्टार्ट करूँगी 1st of May से, उनका टाइमिंग आफ्टरनून में ही रहेगा, बट यू विल गेट द एक्सेस ऑफ द वीडियोज यू नो, जब तक आपका बनता नहीं है आप बिल्कुल देख सकते हो, उनको बना सकते हो, प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस रहेगा आपके पास, आप कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हो। कौन सा नेम प्लेट सुमन जी? ये वाला, इसमें यहाँ नाम लिखाएगा, ये देखिए, ये भी सारा मोल्डिंग से किया हुआ है काम, यू कैन सी इट, देखो कितना उभर के आया हुआ है। कृष्णा का चार्ज ओनली 1500। वैशाली जी ये देखिए कृष्णा पेंटिंग देखिए आप,
मेरे हाथ में थोड़ा सा मोल्डिट है, वेस्ट जाएगा, उससे अच्छा मैं इसको लगा देती हूँ। कृष्णा की टाइमिंग ना 2 फन में ही रहेगी, लेकिन एज आई ऑलवेज से कि वीडियो का एक्सेस आपके पास बाद में भी है, तो आप आराम से कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हो। इनफैक्ट मैं तो मैक्सिमम टाइम्स बोलती ही हूँ कि आप लोग जब मैं बना रही हूँ तब ना बनाओ, तब सिर्फ देखो उसके बाद बनाओ। कृष्णा मुरारीचे मटेरियल, कल्याणी जी मटेरियल तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आप जब मटेरियल लोगे तो अगर आपके पास कलर्स रखे होंगे, ऑयल्स एंड एक्रिलिक्स, तो आप आराम से उसको, फिर तो आपको बस कैनवस का ही खर्च है। कैनवस और डिज़ाइन का मैं पीडीएफ दूंगी, तो पीडीएफ जितने का प्रिंट आउट आएगा वो उतना ही खर्च आएगा आपको, और कलर्स नहीं है तो फिर कलर्स का भी खर्च आएगा। किड सेशन ये पेड वाले है डियर, ये जो रहेगा ये पेड वाला रहेगा। मैंने बस सभी बता दिया है आपको, मेरा काम चल रहा है। सारे आर्टिकल्स एज आई ऑलवेज से, मैं कभी भी कोई भी चीज किसी की रैंडमली उठा के पोस्ट करके कभी नहीं बोलती हूँ कि हाँ ये मेरा क्लास रहेगा, नॉट इवन फ्रॉम गूगल। तो जब मेरा नहीं बन जाता तब तक मैं नहीं लेती उस चीज की क्लास। नहीं काजोल जी, ये वीडियो नहीं है उसका, वो तो ऑर्डर वर्क चल रहा है ना, मतलब एक्चुअली सीखने आ रहा है कोई मेरे पास, तो उनका काम है वो, वीडियो नहीं है उसका, मैं सिखा रही हूँ उनको। बाकी कृष्णा पेंटिंग का तो मैंने बता दिया आपको, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पिन है मेरा, मैं बता देती हूँ एक बार, जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9561667989। ठीक है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। एनीथिंग एल्स? एंड वन मोर थिंग, अभी हम मिलेंगे सीधा 16 को, बिकॉज मैंने बताया मुझे जाना है आउट ऑफ स्टेशन, थोड़ा सा काम है, शादी है, तो अब हम मिलेंगे 16 को। तब तक मैं ये अपना क्ले वर्क कंप्लीट कर लूँगी। करुणा जी, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, जो बचा हुआ मोल्डेड था बस उसी को ठिकाने लगा रही थी, सो उसके पहले मैंने सारा बता दिया था। ये मैंने स्टिक नहीं किए हैं, ये ऐसे ही बस रखे हैं वहाँ पर, हम इनको निकाल लेंगे बाद में, पेंट करेंगे, पेंट करने के बाद स्टिक करेंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे बैकग्राउंड भी पेंट करना है, तो मुझे बैकग्राउंड का शेडिंग जो है वो नहीं आ पाएगा ठीक से अगर मैं ये सब स्टिक कर दूंगी तो। थैंक यू गौरानी, थैंक यू सो मच डियर, आई एम रियली सॉरी, पिछले कुछ दिन से मैं फ़ोन से भी दूर थी, तो बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया नहीं है, या किया भी है तो बहुत लेट किया है, बट आई वॉज रियली बिजी दिस डेज, सो आई एम सॉरी। इसका साइज है 13x6 inches, 13 इसका विड्थ है, 6 inches इसका ये है विड्थ है, लंबाई क्या बोलूँ मैं, लंबाई चौड़ाई 13x6 inches है, और बस। सो दिस नेम प्लेट का कलरिंग जो है वो हम करेंगे 16 को, ठीक है। एनीथिंग एल्स? किड्स की क्लासेस 1st of May से स्टार्ट करेंगे। मैं 16 या 17 को आपको सारे प्रोजेक्ट्स भी दिखा दूंगी पहले कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, देन ऑल्सो यू कैन एनरोल। हाँ जी जुनीता जी, इट्स MDF ओनली, एंड MDF के ऊपर इमल्शन लगा रखा है, इमल्शन के 2 कोट। कृष्णा जी का बोर्ड साइज 20x30 inches है। नहीं नहीं
कृष्णा जी, मैंने पहले ही बोला किड्स में नहीं बोलूंगी, मतलब 10-12 इयर्स प्लस वालों के लिए ही है, एकदम भी किड्स नहीं है। विथ मटेरियल नहीं है, मटेरियल अगर आपको चाहिए होगा तो हम अवेलेबल करा देंगे। विथ किड्स भी होगा, विदाउट किड्स भी होगा, तो वो मैं करवा दूंगी आपको, आपने जैसे भी करना है। या बट आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप वाटर कलर के बेसिक सीखोगे, आप एक्रिलिक पेंटिंग का भी एक एज अ बिगिनर एक बेसिक सीखोगे, मंडला का भी बेसिक सीख लोगे, उसके बाद आप कोई भी मंडला बना सकते हो, ये मेरी गारंटी। और हमारी एक मंडला की भी क्लास थी, लेकिन वो उधर जो मैंने बताया जहाँ प्लेस लिया हुआ है वहाँ रखा हुआ है, तो आई कैंट शो इट। वो थोड़ा एडवांस था, उसमें थोड़ा कोनिंग वगैरह था और वो बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन ये वाला जो है ये 10-12 ईयर्स वाले ऊपर वाले सब कुछ आराम से कर पाएंगे। सो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो की होल्डर है वो भी बहुत सुंदर वाला है, एकदम डिफरेंट वाला, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। जिन जिनको काम अच्छा लगता है प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग देख पाए, सीख पाए, बना पाए। किस चीज़ का अर्चना जी, मैंने कोई कमेंट मिस किया क्या आपका? अर्चना जी बिल्कुल बना देती, बट दिस इज नाउ यू नो ये ड्राई हो चुका है, इससे तो नहीं बना पाऊंगी अब मैं। सो नेक्स्ट टाइम पक्का, एक मिनट में ट्राई करके देखती हूँ। सनफ्लावर का लीफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाकी काम करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो गोला बनाया, फिर एक साइड से इसको ऐसे लंबा किया ऐसे, ये एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, मैंने जबरदस्ती इसको कर तो दिया पर ये ड्राई हो रहा है। ऐसा शेप बनाना है आपने, इधर से भी थोड़ा सा पिन पॉइंट, इधर से भी थोड़ा कम पिन पॉइंट है, इधर से थोड़ा ज्यादा पिन पॉइंट है और बीच में से मोटा है, एंड जस्ट इसको प्रेस कर दो। ये बन गया आपका सनफ्लावर का लीफ, बस ऐसे ही लीफ लगे उसमें, ये बन गया सनफ्लावर का लीफ। आप लगाओगे जब तो इसको थोड़ा सा एक साइड से पिन पॉइंट कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। सो दिस इज सनफ्लावर लीफ। मेन होता है उसका अरेंजमेंट। की होल्डर बनाई नहीं है शिखा, कैसे पिक शो करूं? ये देखो ये ऐसे बनेगा हमारा की होल्डर। हाँ पिंकी जी बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पोस्ट के साथ पिन है, तो आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हो बिल्कुल। एंड मैं कृष्णा पेंटिंग एक बार ही दिखा देती हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला, सो जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए अरे मोस्ट वेलकम अर्चना जी, इसमें क्या, सी दिस इज अवर कृष्णा। हाँ शिखा, इसमें ऑल्स वो ऑल्स ही बने हैं, मैं कलरिंग, लेकिन हमने फिलहाल ये जो ऑल्स है वो स्टिक नहीं किए हैं, हम कलरिंग करने के बाद उनको स्टिक करेंगे। नाउ सी, और जल्दी जल्दी बताइए और ज्वाइन कीजिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल
पीस एंड ट्रस्ट मी, जो दूसरा बनेगा, जब हम ऑर्डर वर्क करते हैं ना तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, बट जब हम बाद में करते हैं, खुद का बनाते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो ट्रस्ट मी इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत सुंदर। सो दोज हु वॉन्ट टू ज्वाइन, वैशाली जी। हम मिलेंगे 16 को, तब तक मैं क्ले वर्क कंप्लीट कर लूंगी। कलरिंग हम 16 को करेंगे, 17 से ये क्लास शुरू होगी, और जो मैं बच्चों के लिए प्लान कर रही हूँ वो शुरू होगा 1 मई से। सो कीप क्राफ्टिंग एंड कीप क्रिएटिंग, स्टे कनेक्टेड, डू शेयर द वीडियो एंड प्लीज फॉलो मी एंड फेसबुक एंड इंस्टा ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय। नहीं नहीं स्नेहल जी, भारी नहीं है, मेरे हाथ गंदे थे मोल्डेड के पाउडर के, इसलिए मैंने बोला कि, मतलब उनको बोला कि उठा दो, भारी नहीं है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 7 पैकेट या 8 पैकेट मैक्सिमम, उतना मोल्डेड लगा है, उतना मोल्डेड भारी नहीं होता। बाय।